हिमाचल प्रदेश में गेस्ट टीचर भर्ती शुरू होने से पहले ही बवाल मच गया है। बेरोजगार युवा सड़कों पर निकलकर विरोध करने लगे हैं। अस्थायी भर्ती के विरोध में मंगलवार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में परीक्षा की तैयारियों में जुटे युवाओं ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से उपायुक्त कार्यालय शिमला तक पैदल यात्रा कर इसका विरोध किया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का कहना है कि वे पिछले कई सालों से नौकरी पाने की चाहत में कमीशन की तैयारी और बैच वाइज भर्ती में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नई पॉलिसी लेकर आ गई है जिसका छात्रों द्वारा विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला प्रदेश के मेहनती और उच्च शिक्षित पात्र युवाओं के साथ धोखा होगा जो सालों से मेहनत कर स्थायी रूप से शिक्षकों की भर्ती किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों ने सरकार से मांग की है कि सरकार इस फैसले को वापस ले और शिक्षकों की भर्ती स्थायी तौर पर ही की जाए। जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एग्जाम होते हैं, हम उसकी तैयारियां कर रहे हैं पिछले 6 से 7 सालों से। तो वर्तमान सरकार ने जो अभी निर्णय जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक पॉलिसी लेकर आए हैं जिसका जो है गेस्ट फैकल्टी के आधार पर भरना चाह रहे हैं, हम उसका रोष व्यक्त कर रहे हैं और हम उसको अपोज कर रहे हैं। क्योंकि आज से पहले भी जो है कांग्रेस जब जब भी सत्ता में आई है, पहले इन्होंने पीटीए लगाए, पैरा लगाए, उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने एसएमसी भरे, उससे जो है कि एक शिक्षा की गुणवत्ता पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो जो है आगे नहीं आ रहे हैं और ये बैकडोर एंट्री है और इसके माध्यम से ये जो है अपने लोगों को चहेतों को नौकरी देना चाहते हैं। और जो बच्चे वहाँ पर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनको वंचित रख रहे हैं। तो हम ये सरकार से चाह रहे हैं कि आप जो है इस पॉलिसी को रोल बैक करें और शिक्षा को प्रॉपर चैनल के माध्यम से जो है भरा जाए। क्योंकि हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर है, तो हम चाहते हैं दोनों उससे जो है आप जो है भर्ती को करें। सरकार का इसके पीछे सीधा मुद्दा है, सरकार चाहती है कि भाई जो है हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो उसके भी आफा पर जो है वो ऐसी पॉलिसी लेके आ रहे हैं जिससे उनको छात्रों को मतलब जो जॉब में लगेंगे उनको जो है कम पे करना पड़ेगा। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि आप जो प्रॉपर चैनल से भरिए। सरकार अगर चाहती है कि हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपने हमने तो नहीं बोला, आपने कैबिनेट रैंक के साथ लोग बिठा दिए हैं, आपने डेप्यूटी सीएम बिठा दिए हैं और साथ में आपने सीपीएस बिठा दिए, वहाँ तो आपका कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। और जब नौकरी देने की बारी आती है तब आप लोग कहते हैं कि भी जो है ना ये फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि जो नीचे हमीरपुर वाला जो कमीशन है उसको भी वो ओपन करे और पब्लिक सर्विस कमीशन पर जो वर्डन पड़ा है उसको कम करे और भर्तियों को प्रॉपर चैनल के माध्यम से करें। इससे पहले चाहे एसएमसी की बात करें, चाहे पीटीए की बात करें, चाहे पैरा लंटियर लगे थे 90 के दशक में, बिल्कुल बिल्कुल सर। जितनी भी आज से पहले की भी जो भी बैकडोर एंट्रीज है हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट है और हम फ्यूचर में भी नहीं चाहते कि इस तरीके की कोई भी पॉलिसी किसी भी क्षेत्र में लाया जाए। क्योंकि इससे शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है और जो वेल एजुकेटेड लोग हैं उनके साथ एक पढ़े लिखे जो बेरोजगार लोग हैं उनके साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। के सारे संगठन है, न्यूट्रल स्टूडेंट है, इसमें सब लोग हम जो है एक आम स्टूडेंट्स की तरह आए हैं। क्योंकि इसमें ऐसा कोई पार्टी का कोई रोल नहीं है, तो हम ये चाह रहे हैं कि भी जो है ना प्रॉपर चैनल के माध्यम से ही भर्ती। देखिए, हम सभी को मालूम है जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पूर्व ही ऐसे 2600 गेस्ट फैकल्टी में अतिथि शिक्षक हिमाचल प्रदेश की सरकार ने रखने का फैसला लिया, तो उसको लेकर के आज केवल शिमला में ही नहीं, आज सुबह धर्मशाला में और पूरे हिमाचल के अंदर हर एक जिला स्तर पर विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर ऐसे जितने भी छात्र हैं यहाँ पर भी विद्यार्थी परिषद के स्टेज के साथ में ऐसे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के साथ अपने जो स्टेट लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं वो भी हमारे साथ आए हैं और प्रदेश सरकार के खिलाफ एकजुट होकर एक आवाज में आज अपनी डिमांड्स उठाने का काम कर रहे हैं।